अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, Xiaomi Mi 10T सीरीज़ काफ़ी जल्दी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च की जाएगी। तो उसका बेस वेरिएंट यानी Xiaomi Mi 10T जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे पहले लॉन्च किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में जो है वो आपको लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी एक्साइटिंग किस्म का स्मार्टफोन है, बहुत ही हमें जो है वो टॉप नॉच किस्म की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है स्मार्टफोन के अंदर। और ये स्मार्टफोन जो है वो प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट की प्राइस के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर इसको फ्लैगशिप किलर कहा जाए जो कि प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट की प्राइस में लॉन्च किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। तो काफी एक्साइटिंग किस्म का स्मार्टफोन है। इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड कि हमें क्या कुछ इस दफा जो है वो Xiaomi ऑफर कर रहा है और किस प्राइस के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें Xiaomi की, तो यार Xiaomi के लिए 2020 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। इसके सब ब्रांड्स की बात करें, Redmi और Poco जो कि काफी अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाए, लेकिन Xiaomi itself जो है वो इतने अच्छे स्मार्टफोन जो है वो नहीं लेके आया या फिर हमें जो है वो ज्यादा सेल देखने को नहीं मिली। सिवाय Mi Note 10 Lite के अलावा हमें कोई भी ऐसा स्मार्टफोन देखने को नहीं मिला जो कि बहुत ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन और काफी अच्छी हमें जो है वो सेल जनरेट करता हुआ नजर आया हो। अगर Redmi की बात करें तो Redmi Note सीरीज काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई। Poco की बात करें तो हमें Poco X3 काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ Poco F2 Pro जो है वो काफी अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहा है जब से उसकी प्राइस जो है वो कट लगना शुरू हुआ है, यानी 80-85 हज़ार के अंदर जब से वो बिकना शुरू हुआ है सेल्स के अंदर, तो काफी अच्छा जो है वो स्मार्टफोन बिक रहा है। लेकिन Xiaomi की बात करें तो यार Mi Note 10 Lite के अलावा कोई भी दूसरा स्मार्टफोन हमें ऐसा नजर नहीं आता जिसने काफी ज्यादा बिजनेस जो है वो जनरेट किया हो। तो ये जो स्मार्टफोन है Xiaomi Mi 10T, यार मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर ये अच्छी प्राइस टैग के अंदर हमें देखने को मिल जाए। काफी सॉलिड किस्म का स्मार्टफोन है। अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो काफी अच्छा डिजाइन निकल के आता है, हमें जो है वो प्रीमियम लेवल का इसका डिजाइन देखने को मिलता है। बैक के ऊपर हमें जो है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो डॉट डिस्प्ले के साथ इसका जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो काफी जबरदस्त किस्म का डिजाइन है, थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा हमें जो है वो हैवी देखने को मिलता है, यानी 215 ग्राम के आसपास इसका वेट निकल के आता है और मेरे ख्याल से 9.3 mm के आसपास जो है वो इसकी थिकनेस निकल के आती है जो कि Xiaomi के स्मार्टफोन में अक्सर हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर डिजाइन की बात की जाए तो मेरा ख्याल है काफी सॉलिड डिजाइन निकल के आता है और काफी प्रीमियम जो है ये स्मार्टफोन हमें डिजाइन प्रोवाइड करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, हेडफोन जैक देखने को मिलता है, USB टाइप सी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो डिजाइन मेरे ख्याल से थिकनेस और वेट को निकाल के काफी सॉलिड डिजाइन निकल के आता है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले की बात करें तो काफी सॉलिड इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले निकल के आता है। कई लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें सुपर एमोलेड या एमोलेड डिस्प्ले यहां पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, लेकिन IPS का LCD का जो डिस्प्ले है वो हाईएस्ट क्वालिटी का हमें जो है वो IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि मार्जिन है सुपर एमोलेड और IPS के अंदर मेरे ख्याल से काफी थिन हो जाएगा इस स्मार्टफोन के जरिए। Xiaomi स्मार्टफोन के डिस्प्ले के लिए ये कह रहा है कि यहां पर हमें जो है वो एमोलेड डिस्प्ले से ज्यादा बेहतर डिस्प्ले देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से यहां पर अगर आपको ओवर सैचुरेटेड और वाइब्रेंट कलर्स देखने हैं तो फिर तो मेरे ख्याल है ये स्मार्टफोन जो है वो उतने अच्छे कलर्स आपको प्रोवाइड करके नहीं देगा। लेकिन अगर आपको नेचुरल कलर्स चाहिए किसी भी स्मार्टफोन से, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर आपको कोई एडिटिंग वगैरह या इस तरह का कुछ चीजें करनी है, तो मेरे ख्याल से ये जो डिस्प्ले है काफी सॉलिड डिस्प्ले निकल के आता है। बस एक चीज जो हमें देखने को मिलती है सुपर एमोलेड में, हमें ब्लैक्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ जो है वो सुपर सैचुरेटेड और क्या कहते हैं उसको वाइब्रेंट कलर जो देखने को मिलते हैं वो वाली चीज इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो डिस्प्ले है काफी सॉलिड डिस्प्ले निकल के आता है और मेरे ख्याल से काफी अच्छा डिस्प्ले रहने वाला है क्योंकि यहां पर हमें जो है वो 144 Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है, 650 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल रही है, काफी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल से आपको सुपर एमोलेड के लेवल की ब्राइटनेस या फिर थोड़ी सी बेहतर ही ब्राइटनेस देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन के अंदर। तो डिस्प्ले यार मेरा नहीं ख्याल इतना बुरा डिस्प्ले होने वाला है, हमें जो है वो सुपर एमोलेड के लेवल का डिस्प्ले जो है वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन की अगर बात करें कैमराज की तो बैक के ऊपर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का हमें जो है वो मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। अब इसके कैमरास की बात करें तो यार काफी सॉलिड कैमरास निकल आएंगे, फ्लैगशिप लेवल के हमें यहां पर जो है वो कैमरास देखने को मिल रहे हैं। रियर कैमरा की बात की जाए तो यहां पर हमें जो है वो काफी अच्छी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, वीडियो काफी अच्छी देखने को मिलेगी, 8K तक जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे स्मार्टफोन के अंदर से जो कि काफी अच्छी एक चीज निकल के आती है। अंडर 100K आपको कोई भी दूसरा स्मार्टफोन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई जो है वो 8K
तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यार काफ़ी अच्छा जो है वो हमें इसका कैमरा देखने को मिल रहा है। प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट से तो ऊपर का आपको जो है वो इसका कैमरा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रंट की बात करें तो यार 20 मेगापिक्सल का आपको जो है वो सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा के हवाले से देखा जाए तो यार काफ़ी सॉलिड ये स्मार्टफोन निकल के आता है। स्मार्टफोन के अगर सेलिंग पॉइंट की बात की जाए तो कैमरा के बाद जो दूसरा इसका सेलिंग पॉइंट निकल के आता है वो है इसकी परफॉर्मेंस। यार बीस्ट किस्म का ये स्मार्टफोन होने वाला है परफॉर्मेंस के मामले में। यहाँ पर हमें जो है वो स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट देखने को मिलेगा, एंड्रीनो का यहाँ पर हमें जो है वो 650 का जीपीयू देखने को मिलेगा। तो गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन जो है वो टोटली एक जन्नत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का देखने को मिल रहा है और साथ हमें जो है वो फ्लैगशिप लेवल का इसका जो है वो चिपसेट देखने को मिल रहा है। तो गेमर्स के लिए तो इससे बेहतर स्मार्टफोन मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरा आपको देखने को मिलेगा इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो टोटली टॉप नॉच किस्म की फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस इसके अंदर हमें जो है वो देखने को मिल जाएगी। और बात करें स्मार्टफोन की बैटरी के हवाले से तो यार यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से इम्प्रूव हो सकती थी। नंबर तो ठीक है बैटरी का, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है वो बेहतर देखने को मिलनी चाहिए थी। उसके अलावा अगर बात करें यार इसके वेट के वाले से और बैटरी के वाले से तो मेरे ख्याल से 5000 mAh की बैटरी के साथ एटलीस्ट हमें जो है वो थोड़ा सा स्लीक डिज़ाइन देखने को मिलना चाहिए था। कोई हमें 8.5 mm के आसपास जो है वो थिकनेस देखने को मिलनी चाहिए थी, वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा काम करने की अभी भी शाओमी को ज़रूरत है। उसके अलावा बात करें तो यार ये स्मार्टफोन हमें जो है वो 8GB प्लस 128GB के जो है वो वेरियंट में देखने को मिलेगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। USF 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी और LPDDR4X की हमें यहाँ पर जो है वो रैम देखने को मिलेगी। तो इस कैटेगरी के अंदर भी जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का काम किया है शाओमी ने। ओवरऑल बात करें शाओमी मी 10T के बारे में तो यार ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन टोटली एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन निकल के आने वाला है। इसका कैमरा सॉलिड है, इसकी हमें जो है वो बैटरी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड देखने को मिल रही है, डिज़ाइन भी ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक अच्छा जो है वो हमें स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन मेरे ख्याल से 70-75,000 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। और अगर 70-75,000 के अंदर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन निकल के आएगा। इस बजट कैटेगरी का बेहतरीन स्मार्टफोन जो है वो आपको मिलने वाला है शाओमी की तरफ से। देखते हैं अब शाओमी क्या करता है, यहाँ पर हमें जो है वो क्या सरप्राइज निकल के आता है शाओमी की तरफ से। अगर तो ये 70-75,000 में ये मिल जाता है तो एक अच्छी ऑप्शन निकल के आएगी इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, जो कि हम जो है वो बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं कि हमें 70-80,000 की प्राइस ब्रैकेट के अंदर कोई अच्छा स्मार्टफोन मिल जाए जो कि हम जो है वो ब्रांड न्यू की कंडीशन के अंदर बाय कर सके। तो आप लोग क्या कहते हो शाओमी मी 10T के बारे में कि क्या प्राइस निकल के आनी चाहिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।